दोस्तों उर्फी जावेद अक्सर अपनी ड्रेसेस को लेकर जो कि सुर्खियों में रहती है, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी उपस्थिति के बाद प्रसिद्धि पाने वाली उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो कि पोस्टों की जो कि काफी सारे पोस्ट शेयर किए, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि जो कास्टिंग निर्देशन ओवेद अफरीदी अभिनय भूमिकाएं प्रदान करने के लिए युवा लड़कियों से यौन एहसान मांग रहे हैं। जी हाँ, बता दें उसमें उन लड़कियों के स्क्रीनशॉट भी साझा किए जिन्होंने उससे जो कि संपर्क किया और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ अपनी जो कि स्टोरी जो कि शेयर की। बता दें प्रियंका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम जो स्टोरी को अंदर इसके अंदर लिया और पोस्ट किया, 2 साल पहले ओवेद अफरीदी ने अपने एक करीबी दोस्त से यौन संबंध बनाने के लिए कहा था। उर्फी ने प्रियंका को सोशल मीडिया पर इसे जो कि शेयर कर और उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। बता दें उर्फी ने 2019 से ओवेद अफरीदी पर इंडिया टूडे में एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जब उन्हें महत्वाकांक्षी महिला मॉडल का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। अब उर्फी जावेद द्वारा जो शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में निर्देशक को यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि उर्फी अंतिम क्षण में परियोजनाओं को छोड़ देती है, इसलिए उसे रद्द कर दिया जाता है और एक सेलिब्रिटी जो कि को काम पर रखा गया। बता दें कि उर्फी ने लिखा कि कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद ही उन्हें शूट के लिए पैसे नहीं दिए। अन्य स्क्रीनशॉट में उर्फी ने साझा किया कि जिन 5 लड़कियों को व्यक्तिगत रूप से जानती है उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें निर्देशक के बारे में सूचित किया। लड़कियों में से एक का आरोप लगाया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे अपने पसंदीदा गायक के संगीत वीडियो में मुख्य भूमिका की पेशकश की और बदले में उसे निर्माता के साथ सोने के लिए कहा। अब मना करने पर उसके लड़की से वीडियो कॉल पर निर्माता से बात करने और अपना चेहरा नहीं बताने को कहा। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट है जो कि आप देख सकते हैं, तो इन वीडियो को लेकर क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक